नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आज जिला डिंडोरी के बरगांव से जनजातीय कल्याण समिति के नेतृत्व में 25 गांव के कृषक उन्नत खेती से प्रशिक्षण को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां आए हुए किसानों ने उन्नत खेती और खेती में ज्यादा लाभ कमाने को लेकर ऑर्गेनिक खेती से लेकर खेती के प्रकार में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां प्रशिक्षण लेने के बाद जनजातीय कल्याण समिति के समस्त किसान और पदाधिकारी मालगोदाम स्थित राजा रघुनाथ शाह कुंवर शंकर शाह की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपने जनजाति गौरव राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की प्रतिमा पर नमन करते हुए उन्हें याद किया, जहां इस दौरान समस्त जनजातीय कल्याण समिति के कृषक प्रतिमा स्थल पर शामिल हुए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलिए भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे। शंकर शाह रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह अमर रहे। आपका जबलपुर आगमन हुआ, कहाँ से आए हैं? जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव जिला डिंडौरी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक प्रकल्प है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सेवाभावी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम जनजाति कल्याण केंद्र के 25 गांवों से जनजाति समाज बाहुल्य लोग आए हुए थे और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आज कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी ली। इसके बाद जनजाति समाज के गौरव रानी दुर्गावती और शंकर शाह राजा रघुनाथ शाह जी के कुलदेवी माला देवी जी का दर्शन डॉक्टर पवन स्थापक जी के माध्यम से हुआ और हम फिर राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के दर्शन करने यहाँ तक पहुँचे हैं। कितने लोग हैं? लगभग जनजाति क्षेत्र के 25 गांवों से 54 लोग आए हुए हैं। आपका नाम है? मैं सतीश चौबे संघ का स्वयं सेवक हूँ और जनजाति कल्याण केंद्र में जो भी मुझे सेवा कार्य दिया जाता है उसको मैं करता हूँ। और आज बरगांव कल्याण केंद्र से वहाँ पूरे 25 गांव से हम लोग आए किसान भाई, बस के माध्यम से हम लोग कृषि जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोग का खाना व्यवस्था हुआ, फिर इसके बाद हमारे जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में हमको जितने हम लोग 52 लोग आए हैं, डॉक्टर लोग मिले, कृषि वैज्ञानिक लोग, हमको ऑर्गेनिक और जैविक खेती के बारे में पूरा जानकारी दिए। हम जो लोग सबको ही आए हैं बढ़िया व्यवस्था से, और उनके कैसे खेती करना है और धान की, गेहूं की, राहर की, हम सब लोगों को एक एक जानकारी दिए। वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह जी। इसके बाद हम लोग वहां से जैसे ही पूरा वैज्ञानिक दृष्टि से जानकारी मिलने के बाद हम लोग सीधा तिलवारा निकल गए डॉक्टर पवन संस्थापक के यहाँ, नेत्र के बारे में जानकारी दिया, पूरे हम लोगों को जानकारी दिया कि अपने क्षेत्र में यदि कोई हैं नेत्र विहीन, उन लोगों को आप लोग के माध्यम से हमारे चिकित्सा पहुँचाइए जिसमें हम लोग निःशुल्क सेवा करेंगे। इसके बाद वहाँ से हम लोग चले हमारे कुल गौण राजाओं का कुल देवी माला देवी के दर्शन करते हुए हम लोग सभी लोग वहां से अभी सीधे रेलवे स्टेशन शंकर शाह रघुनाथ शाह जो अभी हम लोग प्रतिमा के स्थान पे खड़े हैं, सबको ये दर्शन करके लाभ लिए और अपने अपने सौभाग्य को प्राप्त किए। आज तक हम लोगों को जानकारी, मतलब हमारे साथ में जो आए हैं वो कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं था, अब हमारे जो माला देवी है हम लोग सब गौण राजा के बारे में सब कोई जानकारी को प्राप्त हुआ। अजमेर सिंह टेकाम, सहपुरा, डिंडोरी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।